आपको सीधा लिए चलेंगे अभी दिल्ली, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की शिकायत है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, क्या रिकॉर्डिंग कानूनी थी, यानी कि चोर मान रहा है कि उसने चोरी की। वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि जब वो चोरी कर रहा था तो जो कैमरे लगे थे क्या वो कानूनी रूप से लगे थे। यह तो अजीब सी बात हुई कि हत्या का आरोपी यह कहे कि जब वो हत्या कर रहा था, जिस गवाह ने उसे हत्या करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया, क्या वो गवाह हत्यारे की निजता को भंग तो नहीं कर रहा था। ये बात सुनने में बड़ी रोचक भी लगी। आज जब सुबह हमने सुना अपनी प्रेस वार्ता में, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सामने आकर मान लिया कि हां चोरी हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों हुई। यह भी स्पष्ट हो गया है साथियों कि चोर डरा भी हुआ है और उसके डर के कारण बड़े जायज है। चोर को यह पता है कि इस प्रकरण में न केवल एक केंद्रीय मंत्री बल्कि उस मंत्री के ऊपर के कई कई बड़े नेता फंसने वाले हैं, और यह डर चोर से इस तरह की गलतियां करवा देता है जो आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने की। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद है पिछले कई दिनों से, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए सामने आई, मैदान में आई, और कांग्रेस के उन विधायकों का जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है का वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया गया। उनके साथ साथ बाकी विधायक जिन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं, उनको भी होटल के चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से तड़ी पार कर दिया गया। ये शब्द मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। आखिर क्या कारण है सचिन पायलट जी? आपको राजस्थान पुलिस पर कम भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर ज्यादा भरोसा? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो आप अदालत में यह साबित कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के हिस्सा हैं, कांग्रेस में ही हैं, और दूसरी तरफ आप भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में बैठे? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो भाजपा संबंधित नामी गिरामी वकील अदालत में संघर्ष कर रहे हैं यह साबित करने के लिए कि आप कांग्रेस में हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के संरक्षण में वॉइस सैंपल देने से बचकर पिछले दरवाजे से विधायक निकलते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? सुनने में तो अब यह आया है कि इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में ले जाने के भी प्रयास हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जिन विधायकों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई उन्हें भी भाजपा अपने संरक्षण में तड़ी पार करवा रही है? ये जायज प्रश्न है। हम मानते हैं चोर डरा हुआ है, हम यह भी जानते हैं चोर क्यों डरा हुआ है। चोर को मालूम है कि अभी तो जो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से सरेआम ये स्वीकारोक्ति हुई आज सुबह कि हां चोरी हुई, हत्या हुई, संविधान को रौंदने के प्रयास हुए, बड़ी बेशर्मी से आकर कहते हैं कि भाई कैमरा क्यों लगा था। आपके प्रश्न, Ohan ji, if you could also formulate a little bit in English. Sure. I should have. I'm sorry, I forgot. We all witnessed over the last week, 10 days, the daylight murder of democracy being attempted by the BJP in Rajasthan. We've all seen every day a new layer comes out exposing the links of, not just the links, the direct links of the BJP in creating some kind of a crisis, trying to
committed its role in the murder of democracy in Rajasthan. Their only grievance was that when we were murdering democracy, why were we getting recorded? And if we were getting recorded, was it legal? It's like a murderer saying that the witness who saw me committing the murder and who went and informed the police, didn't he violate my privacy when he peeped into my room when I was committing the crime? The shamelessness of this admission is also very shocking. They're not worried about the fact that they got caught red-handed. They are worried about the fact that why did they get caught? Was it legal? Yesterday and day before yesterday at night, we saw some so-called audio tapes exposing a lot of goings-on in Rajasthan. Voices of a senior union minister, voices of some MLAs of Rajasthan, ministers of Rajasthan. Everything is out there. Based on those recordings, a case was filed and the SOG proceeded to Manesar last night to collect the voice samples of the ministers, the MLAs who were involved in these audio, so-called audio tapes. For the first time in history, a police of another state actively blocked the Rajasthan team, SOG team, from collecting the voice samples and quietly, surreptitiously ensured that all the MLAs escape from the back door of the hotel. The BJP openly misused its official machinery in Manohar Lal Khattar's Haryana to thwart an investigation, an ongoing investigation. Never before in history will you see this. And I hope we never see it again. What is the reason that Mr. Sachin Pilot trusts the Haryana police more than the Rajasthan police? We want to know. On the one hand, celebrated lawyers close to the BJP are trying to prove in the court of law in Rajasthan that Mr. Sachin Pilot and all the MLAs are part of the Congress party. On the other hand, these MLAs take protection from Haryana police. Under that protection, try and escape from the hotel when the police team reaches for voice sample collection. If you are part of the Congress, why are you in the custody of BJP ruled state? We are told now that attempts are being made to take them to another BJP ruled state, Karnataka. So all these facts come as a surprise.